नमस्ते व्यूवर्स, आज हम बाजू का डिज़ाइन बनाएंगे, सुंदर सा डिज़ाइन बनाएंगे। और यहाँ पर मैं 17.5 ले रही हूँ और गोलाई जितनी हमारी होगी उतनी हम गोलाई लेंगे। और ये मैंने 17.5 लिया है और इस पर हम अच्छे से आयरन करेंगे तो बीचों बीच इसमें ऐसे निशान आ जाएगा। तो हम पहले एक इस पर लाइन खींचेंगे, फिर 1 इंच की दूरी पे इस साइड और दूसरी साइड हम 1 इंच की दूरी पे हम दूसरी साइड खींचेंगे। ये हम 3 लाइन खींच लेंगे और फिर यहाँ पे हम 1-1 इंच का बॉक्स बनाएंगे। पूरा हम यहाँ से ये 1-1 इंच की लाइन खींची है मैंने और ये 1-1 इंच का हम बॉक्स बना लेंगे और इसमें भी हम लाइन खींच लेंगे अच्छे से। और बराबर खींचनी है लाइन, इंची टेप की मदद से पहले निशान लगाना है, मैंने इसमें निशान लगाए हुए हैं। और फिर इस लाइन को हम ऐसे खींच लेंगे, आप स्केल से भी इसको खींच सकते हो। सीधी खींचनी है और बराबर खींचनी है, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, नहीं तो डिज़ाइन बन के अच्छे से रेडी नहीं होगी। और फिर यहाँ पर हम एक बॉक्स छोड़ देंगे और फिर यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, फिर यहाँ नीचे से 2 बॉक्स छोड़ देंगे, टोटल 3 बॉक्स हो जाएंगे। और फिर दूसरी वाली लाइन में ऐसे करेंगे, ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, एक बॉक्स छोड़ के दूसरे बॉक्स में और पूरे में ऊपर तक हम ऐसे खींच लेंगे लाइन। और अभी हम सुई धागा लेंगे, इसमें डबल धागा डालेंगे और यहाँ पे हम यहाँ इस कोने से अगले वाले कोने तक जैसे हमने निशान लगाया वहाँ से ऐसे सिलना है। और इसमें 2-3 गांठ हम अच्छे से लगा लेंगे, 3-4 भी आप लगा सकते हो, अच्छे से पक्का करना है, इसको खुलना नहीं चाहिए। और ऐसे हम इसको यहाँ से सिल लेंगे। हम गांठ लगा के वहाँ से कट कर लेंगे और अभी हम दूसरे वाले बॉक्स वाले यहाँ से हम इसको भी ऐसे सिल लेंगे और इस पर भी हम अच्छे से गांठ लगा लेंगे। और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक सारे हमने जो ये निशान लगाए इनको हम सिल लेंगे। और फिर इसको यहाँ से एक सिलाई हम यहाँ पे लगाएंगे, इसको यहाँ चुन्नट भरते हुए। और यहाँ पे हम ऐसे चुन्नट भर देंगे छोटे छोटे, ज़्यादा पास में नहीं, छोटे छोटे चुन्नट भरनी है यहाँ पे। इससे हमारी डिज़ाइन बन के बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगी। दूसरी साइड भी हम ऐसे ही करेंगे। ये देखो कितना अच्छा लुक आ रहा है बाजू का। यहाँ पे हम पट्टी लेंगे तो मैं यहाँ पे 4 इंच पट्टी चौड़ी ले रही हूँ, आप छोटी बड़ी ले सकते हो। और इसमें आपकी लेंथ कम हो जाए तो आप इसको बढ़ा भी सकते हो, ये पट्टी चौड़ी लेने से इसकी लेंथ बड़ी हो जाएगी। इस पट्टी को मैं ऐसे फोल्ड करके और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। और ये हमारी डिज़ाइन बन के रेडी हो गई है। आप इसके ऊपर मोती भी लगा सकते हो डिज़ाइन पे। और अभी आप अपने हिसाब से जितना भी फिटिंग है उसी के अकॉर्डिंग आप इस पर सिलाई लगा लेना, जैसे ही चुनट आ रहा है वैसे ही लगाना है। और यहाँ पे भी हम फिटिंग का लगा लेंगे। और ये हमारी डिज़ाइन, बाजू की डिज़ाइन बहुत आसानी से बन के रेडी हो गई। देखो कितनी अच्छी लग रही है, वाह बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू।